अस्सलाम वालेकुम, मेजबान कदरदान। पाकिस्तान में लग गया है इलेक्शन का मेला। वोट किसको देंगे? वोट वोट भी डालेंगे हम, सभी नॉन लीग तो डालेंगे। वोट वोट इमरान खान का। वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान। अपने आशिकों को, पीपल्स पार्टी वालों को, मेरे पीपल्स पार्टी को वोट दूंगी इंशाल्लाह। मेरी आवाम उसके साथ है और मैं अपने आशिक का भी नाम लेती हूँ। टोटल मसाइल है, मसले ही क्या मसले बताए, बताए क्या बिजली है, वो तो सफाई है, को जोड़ो। हल्के की बात करो कि हमारा हल्का ये है तो हल्के में। अस्सलाम वालेकुम, मेजबान कदरदान। पाकिस्तान में लग गया है इलेक्शन का मेला, तो आज हम इस पे बनाएंगे वीडियो और लोगों का लेंगे फीडबैक। तो आज हम मौजूद हैं काला पुल के एरिया में। यहाँ पे हम लोग पूछते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे और किसको जितवाएंगे। चलते हैं आगे, लोगों से पूछते हैं वो किसको वोट कास्ट करेंगे। कैसे वोट किसको देंगे आप? वोट किसको देंगे हम? किसको देंगे? किसी का फायदा कोई नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? किसी का भी फायदा नहीं है। हमने अपनी रेबड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, वो किसी पार्टी को देने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इलेक्शन का बायकॉट करेंगे? हम कोर्ट क्या करेंगे, हम तो यही बोलेंगे कोई फायदा किसी का नहीं देने का। हम रेबड़ी करते हैं, रेबड़ ट्रक हूँ, ट्रक का ड्राइवर हूँ। वैसे आप इसी काले पुल के एरिया में रहते हैं? इसी काले पुल के एरिया में रहते हो। तो यहाँ पे किसी पार्टी ने तो कोई काम करवाया होगा ना? कुछ भी नहीं, सब बेवकूफ पागल है, सब पागल है, सब बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। भाईजान सलाम। वोट किसको? वोट बेनजीर को। वोट बेनजीर? वोट किसको देगा? वोट शेर के। वोट शेर के इंशाल्लाह। जमीर का, जब जाएंगे मोहर लगाएंगे पता चलेगा जो किसका देना है। वोट जमीर का है। सर बहुत अच्छी बात की आपने। उसको छोड़े, जो बंद पड़ा उसको छोड़े। अच्छा, जो बंद पड़ा उसको छोड़े। राहुल बाबा के वोट किसको देंगे? वोट वोट जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को वोट देंगे। आप किसको देंगे वोट? वोट पीटीआई का। पीटीआई का। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका भाईजान? इमरान। वोट इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बता सकते हैं वोट किसको देंगे? नॉन लीग जाएगा। अरे वोट नॉन लीग डालेंगे हम, सभी नॉन लीग तो डालेंगे। चले माशाल्लाह, वोट भाईजान। वोट किसको देंगे? वोट किसी को नहीं देंगे। वोट किसी को नहीं देंगे, वो खास वजह कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। चले भाईजान, वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान। वोट इमरान खान। अब हम मौजूद है गुलिस्तान जौहर के हलके में। यहाँ की आवाम से पूछते हैं, उनके मसाइल के पूछते हैं वो किसको वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम सिकंदर है। आप किसको वोट करेंगे? वोट नून लीग को। नून लीग को वोट करेंगे? यहाँ के बेस्ट पार्टी है। बेस्ट पार्टी है, लेकिन यहाँ मेरा शुरू से ही वोट नून लीग का है। शुरू से ही शेर जिंदाबाद है। शेर जिंदाबाद। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको कास्ट करेंगे आप? पीटीआई। पीटीआई को वोट करेंगे आप? यार वोट देने की दिल ही नहीं करते किसी को। अच्छा, वोट देने दिल ये किसी का ईमान ही नहीं है इधर। कोई बात वजह? हाँ, वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या किया है इन लोगों ने, एक ही ईमानदार था उसको ही बेचारे को निकाल दिया। आपके हल्के में कोई मसले मसाइल? मसले ही मसले हैं। मसले क्या बताऊँ, एक मसला थोड़ी है, हर चीज का ही मसला मसला है जो है ना। एजुकेशन का मसला है हमारे जो है हल्के में, और जो है वो और भी बहुत सारे इशूज हैं। सेवरेज का मसला है, ठीक है ना, और जो है वो ओवर पॉपुलेशन का मसला है, बहुत सारे मसले बता ले क्या बताएं। अरे बहुत शुक्रिया। कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे आप? फिलहाल तो किसी को इरादा नहीं है देने का। अच्छा, रीजन कोई पार्टी बची नहीं है? रीजन यही है कि आप देख रहे हैं कि क्या होता है पाकिस्तान में, हो क्या रहा है। किसी के झंडे लग रहे हैं, किसी को उतर रहे हैं, सीना जबती आपस में इनके फसादात खत्म है। आवाम के क्या मफा देखेंगे? सियासतदान थोड़ी है, तो जत्थे हैं। मैशत तबाह है, कारोबार तबाह है, गरीब आवाम तबाह है। सुबह पहुंच लोग अपनी चादर छुपा के घूम रहे हैं, पेट में उनके खाने के नहीं है, किसी को दिखा भी नहीं सकते। गरीब चटनी खा लेगा, सफेद पोज मारा जाएगा, अमीर अमीर तर हो रहा है। कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? कोई पुसाने हाल नहीं मेरा भाई। इस वक्त तबाही के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा, सही है ना। महंगाई छूट करती जा रही है। कंट्रोल करेंगे क्या कंट्रोल किया? अरे इतना तो मेहरबानी यहाँ पे मतलब है कि ना, कब्जा ग्रुप के इतने बड़े जिनके केस चले, जिनके ऊपर सजा हुई, वो अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आप बताओ, कब्जा लेन माफिया जो इलेक्शन में खड़ा रहेगा, और मतलब वो क्या तुमको इंसाफ देगा? इलेक्शन तो वही लड़ते हैं ना। ये देखो यहाँ पे यहाँ वोट लगे हुए सारे भाई। इलेक्शन मिला खान नाम है ये पूरा, ब्लॉक 11 ब्लॉक 10 पता नहीं कितने कब्जे किए हुए, और सुन्नी मुस्लिम सुन्नी तहरीक उसकी मतलब वकालत कर, हजारों बेचारे प्रोफेसर डॉक्टर उनकी जमीनें कब्जे हो चुके हैं।
ये कहाँ ये इंसाफ है कि भाई जो एक आदमी इलेक्शन में खड़ा, तुम उसका तफसील तो करो कि है कि जब वो करप्शन को खड़े करेगा तो हम क्या और आप क्या सुधरेंगे यार। किसको वोट देंगे सर? खान साहब को। पीटीआई को कोई खास वजह? बस सबको आजमा लिया एक बार, फिर इसको आजमाते हैं, बाकी इस मुल्क का तो कुछ होना नहीं है। जिसने भी पूछोगे आप वो पीटीआई बोलेगा। इस हल्के में कोई मसले मसाइल आपके गुलिस्तानी जोर के? नहीं, टोटल मसाइल है। मसले क्या मसले बताए? क्या बिजली है? वो तो सफाई है। नहीं, क्या चीज है यहाँ पे आप बताओ ना सर। कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। सुबह अरे 10 बजे गैस जाती है, सुबह 6 बजे आती है। कराची में जाती है? नहीं नहीं, यहाँ का वो पूरे मसाइल सर, पूरे कराची में जाती है। हल्का 100 और 200 का बात कर रहे हैं, पूरी कराची को जोड़ो। हल्के की बात करो कि हमारा हल्का ये है तो हल्के में गैस नहीं होती। रात को 10 बजे जाती है, सुबह 6 बजे तक जो लोग बेचते रहे या मतलब ड्यूटी करके आते हैं तो रात को मतलब को खाना बनाते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती है। ये आज से नहीं है, ये कम से कम 2 साल हो गए। इसके लिए कुछ भी आवाज नहीं उठाता, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है। सुबह बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, उस वक्त गैस नहीं होती। अब ये बताओ कि भाई ये लोगों को पता नहीं है कि भाई यार गैस कितनी जरूरी है, लेकिन नहीं करते लोग। तो आप फिर इस मसले मसाइल के हल कौन निकालेगा? हल तो खैर अल्लाह निकाल सकता है, यहाँ तो मसले का हल कुछ भी नहीं है। जो एक मुट्ठी तो हो जाओ, एक कौम तो मन लो, कोई तरीके इंसाफ है, कोई शेर को वोट देना है, कोई जमात इस्लामी को मुतहदा है, किसी की पार्टी को डरा हुआ है, क्यों डर रहे हो भाई? एक कौम बनो, जिस दिन एक कौम बनोगे उस दिन देखना ये पूरे मसले तुम्हारे हल हो जाएंगे। वोट लेने के बाद ना कोई एमपी एमएनए इलाके में आता है, ना कुछ होता है। मसले देखो हल तब होगा, सब कौमे इकट्ठी होंगी, सिंधी माजर पठान, सिर्फ एक मुसलमान, एक मुसलमान जिस दिन बनेंगे तो सब मसले हल हो जाएंगे। अभी मेरे हिसाब से तो पीपल्स पार्टी मजबूत है। पीपल्स पार्टी मजबूत है, चलिए बहुत शुक्रिया आपके पास। पीपल्स पार्टी मजबूत है। आप वोट किसको कास्ट करेंगे? हम किसी को भी नहीं। आप किसी को नहीं करेंगे? किसको वोट कास्ट करेंगे? हम पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को कोई खास किसको देंगे? पीटीआई। पीटीआई जमात इस्लाम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ यहाँ पे माशाल्लाह पूल वाले भाई इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वोट किसको देंगे? वोट किसको? किसी को नहीं देंगे। क्यों नहीं जी? फिर वोट तो बस हमारा बेसिक पीटीआई को है, और हम खान के बगैर किसी को ऐसे वोट देते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसको देंगे? वोट जिए भुट्टो। जिए भुट्टो को। वोट किसको देंगे सर? पीटीआई को। रीजन? कोई वजह? बस रीजन ये है कि वो ईमानदार बंदा है इमरान खान। लाभ का मसला है, कानून नहीं है। जब ऊपर वालों के लिए कानून नहीं है तो हमारे तुम्हारे जैसे उनके लिए कहाँ कानून होगा। वोट किसको देंगे? इमरान खान। आप देंगे वोट? वोट बिल्कुल इमरान खान को। इमरान खान को कोई हार नहीं। वोट किसको देंगे सर? वोट ये जो ओवर हेड ब्रिज वगैरह बनाया आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल देखा है। और जो इन्होंने डेवलपमेंट काम किया है डेवलपमेंट के हवाले से उनको देंगे। तो ये तो सिंध में काफी सालों से, काफी सालों से बहुत सारे लोग हैं, तो इन्होंने तो कुछ तो कुछ डिलीवर करके दिया ना। तो एक दौर में तो एमक्यूएम ने भी किया था डिलीवर। क्या किया था? वो जो मसले मसाइल सारे कुछ भी बनाए थे, कुछ भी नहीं किया। कंस्ट्रक्शन काफी दूर दूर तो क्या कंस्ट्रक्शन किया था उसके मुकाबले में? कोई कंस्ट्रक्शन आप दिखा दें। आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा बेहतर है बकौल प्रीवियस। आपने देखा नहीं कि उस जमाने का जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल बोसीदा हो गया था? शेरशाह का शायद आपको याद होगा। अच्छा मैं स्किप मत कीजिएगा, ऐसा ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास पूरे सुबह सरहद में अगर कहीं पे हो, मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग साबित करके दिखाओ। 8 साल वहाँ पे गवर्नमेंट थी और ये हमारा चैलेंज है, वो साबित कर करके दिखा दे कि जो भी काम हुआ है ये मुर्तजा वहाब ने काम करके दिखाया है। बोला नहीं है, काम करके दिखाया है। ये अगर जीत जाएगा ना तो आप 35 साल जिन लोगों को वोट दिया था ठप्पे पर ठप्पा लगा कर कर वो सब बुला देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारी बात की भाई जान। भाई काफी देर से देख रहे हैं प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे इधर क्या नाम है? इजाज़ अहमद। किसको वोट दोगे? खान साहब को। खान साहब को। कोई वजह? खान साहब सीधा आदमी है, वो जो है ना वो चोरों के साथ चोरों का दुश्मन था। सर आपके हल्के के मसले मसाइल में बात करना चाह रहे थे कि इस हल्के जो है कोई मसले मसाइल? मसले मसाइल तो वैसे तो बहुत ही थे, लेकिन अभी ये थोड़े से कुछ रोड बनने से कुछ बेहतर हुए हैं, वैसे तो पहले की बनिस्बत कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन बाकी ये जो अपना लाइट वेट का मसला हमारे यहाँ लोड शेडिंग का, गैस का, दो ये प्रॉब्लम हमें है। तो इसके लिए भी अब जो नए नए नुमाइंदे आ रहे हैं जो अभी सारे ये वादे कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेंगे,
लेकिन वादे तो सिर्फ वादे ही होते हैं, उसके अलावा तो काम तो नहीं होता है। सर वोट किसको देंगे आप? वोट तो अभी फिलहाल हम किसी को नहीं, किसी को नहीं, मतलब है कि वोट देंगे, लेकिन ये है कि अपने वो हम अपने खुफिया रखेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे, जो जो काम करने का इस लायक होगा। बिल्कुल वोट तो उसी का होगा जो काम का, बाकी जो है ना वो नजरियात तो अभी हमारे कोई रहे ही नहीं ना। अब जो हम उसको देख रहे हैं, जो आने वाले वक्त में जो अच्छा काम करेगा उसको हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। बहुत शुक्रिया सर। वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। आप किसको वोट देंगे सर? जमात इस्लामी को। आप किसको वोट देंगे? मैं तो टीएलपी को, तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। सर वोट किसको देंगे सर? वोट तो जमात इस्लामी के लिए। सर आपके हलके में कोई मसले मसाइल? सारे मसले मसाइल भरे पड़े हुए, कोई हल हुआ हो तो बतलाओ। एक भी हमारी नजर से हल सिर्फ हल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। जमात इस्लामी को एक मौका देना चाह रहे हैं कि शायद वो उसने जिस तरह रोडो पे निकले हुए उनके नुमाइंदे, उस लिहाज से देना चाहते हैं कि शायद वो आगे जो ख्वाब दिखा रहे हैं उस पर कुछ अमल करके दिखा दें। चलते नौजवान यूथ से पूछते हैं कि वोट किसको देंगे, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जान। सर वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे भाई? आप बताएं, फिर उनसे भी जाएंगे ना? मैं तो पतंग को दूंगा इंशाल्लाह। आप पतंग को देंगे? खास वजह कोई? बस मोहब्बत है मेरी। आप किसको देंगे? जमात इस्लामी। आप जमात इस्लामी को? बिल्कुल। आप दोस्त हैं आपस में? नहीं, यहाँ दोस्त नहीं, यहाँ पर मार्केट वाले। मार्केट वाले? तो ये जमात इस्लामी को आप, हर बंदे का दिल होता है ना, अपना अपना ट्रूथ होता है कि बंदा किसको, की वजह से अपनी दोस्तियारी तो नहीं खराब कर सकते, जिसको जो समझ प्यार है। अल्ताफ भाई के, अल्ताफ भाई को देंगे, खत्म हो। अल्ताफ भाई तो लड़ी नहीं है ना इलेक्शन में? एमकेएम तो है ना, नाम तो है ना, एमकेएम पाकिस्तान है ना वो। हम एमकेएम पाकिस्तान को देंगे वोट। चलो आप किसको देंगे प्यारे भाई? पीटीआई को दूंगा। आप पीटीआई को देंगे? आप तीनों भाई माशाल्लाह दोस्त हैं आपस में, एक ही जगह काम करते हैं और अलग अलग पोलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। बताएं वोट किसको देंगे? वोट मेरे है ही नहीं। वोट आपका है ही नहीं? नहीं पता। वैसे लाइक किसको करते हैं? लाइक अभी तो इमरान खान। अच्छा अभी इमरान खान को। आप हम इस वीडियो में दो हलकों का फीडबैक लिया, जितना टाइम मिल सकता था हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेंगे। हम आगे भी इसी तरह, अगर हमें आप हमें इसको वीडियो को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम दोबारा इलेक्शन सर्वे की एक और वीडियो पे आएंगे। अभी मिलते हैं, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।